स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के एक महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल के बारे में। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में 60 मिनट का समय लगता है। 75% पूर्ण होने में कितना समय लगता है? 60 मिनट। अर्ध आयु चाहे अर्ध जीवन काल ज्ञात करना है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीटेड इन 60 मिनट्स फाइंड हाफ लाइफ। यानी एक प्रथम कोटि का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसके 75% पूर्ण होने में जो समय लगता है वो है 60 मिनट का। हमें उस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ ज्ञात करना है। पिछले वीडियो में उन्होंने चर्चा की है हाफ लाइफ के बारे में भी और उसके संबंधित डेरिवेशन के बारे में भी। सबसे पहले हम लोग आते हैं ये जो काइनेटिक्स है वो फर्स्ट ऑर्डर का है। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग जानते हैं के बराबर 2.303/t log a/a-x, इसका बेस 10 है। और प्रश्न कह रहा है इस रिएक्शन में समय लगता है 60 मिनट का, यानी टी का मान हो गया 60 मिनट। प्रारंभिक मात्रा 100, क्योंकि प्रतिशत के रूप में चर्चा है कि 75% पूर्ण हो रहा है। इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, एक रिएक्शन है जिसमें ए ने बनाया बी को, यानी ए अब रिएक्टेंट है और बी इसका प्रोडक्ट है। प्रारंभ में मान लिया कि 100% था, जो भी ये था अपने आप में वो 100% था। प्रारंभ में यह 0 था और कुछ समय बाद यानी 60 मिनट के बाद 100 में से 75% टूट गया, 100 में से 75 टूट गया। उस समय के बाद 100 में से 75 टूट गया और ये बना 75। तो ए के जगह पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे 100 और ए के जगह पर तो 100 है ही, ए माइनस एक्स के जगह पर हम लोग 75 का प्रयोग करेंगे, 100 माइनस 75 का, क्योंकि x का मान 75 यानी विघटित हुई या टूटी हुई मात्रा हो गई यहां पर 75। और k बराबर 2.303/60 log 100/25, 25 से चौके 100 और k बराबर 2.303/60 log 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और k 2.303/60 यानी 60 log m के पावर n बराबर होता है n log m, यानी 2 आएगा पीछे और log 2 यानी 2 into log 2। फिर से ध्यान देंगे यहाँ पे फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के काइनेटिक्स हम लोग जानते हैं कि बराबर 2.303/t log a/a-x। k का मान हमें यहां से ज्ञात करना है, रेट कांस्टेंट है, 2.303/60 यानी कि 60 मिनट का समय लगा जब x का मान 75 हो गया, क्योंकि प्रतिशत है इसलिए प्रारंभिक मात्रा हम लोग 100 रखेंगे। इस डेरिवेशन के आधार पर 100 में से 75 गया 25 यानी यहां बचा 4 और 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं यानी 2 log 2 लिख सकते हैं। अर्थात हमारा डेरिवेशन कुछ ऐसा है, और k बराबर 2.303, यहां 2 से कट गया 30 तो बटा में 30 और log 2 का मान होता है 0.3010, ऐसा हम लोग काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ चुके हैं। और k बराबर इन दोनों को गुणा करके जो वैल्यू हम लोगों ने वहां प्राप्त किया था वो था 0.693/30 और चूंकि ये मिनट नीचे है इसलिए हम लोग नीचे मिनट, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.693/30 मिनट इनवर्स, 30 मिनट इनवर्स इतना वैल्यू आया हम लोग का के का। पुनः हम लोग ये भी जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ का मान होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ यानी हाफ लाइफ का मान होता है 0.693/k और टी हाफ बराबर 0.693, के जगह पे हम लोग रखेंगे 0.693 और बटा 30, तो नीचे आएगा 0.693 और ऊपर चला गया 30, यहाँ ध्यान देंगे मिनट इनवर्स नीचे है तो नीचे है मिनट इनवर्स रखेंगे तो ऊपर जाएगा तो मिनट, ये कट गया।
अर्थात जो वैल्यू हमें प्राप्त हुआ टी हाफ का वो होगा 30 मिनट, यानी इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का मान होगा 30 मिनट्स। हम लोग अगला न्यूमेरिकल है, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए सत्यापित करें, यानी प्रूफ करना है कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में और धायु का लगभग 10 गुना समय लगता है। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट टाइम टेकन फॉर 99.9% ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ऑफ इट्स हाफ लाइफ, यानी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसके 99.9% पूर्ण होने में जो समय लगता है वो इसके अर्धायु का लगभग 10 गुना होता है। अर्थात किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में जो समय लगता है वो अर्धायु का लगभग 10 गुना होता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग आते हैं टी का मान प्रथम कोटि में 2.303/k लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, यहां बेस्टिंग छिपा हुआ है, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं प्रथम कोटि के लिए। और टी बराबर 2.303/k लॉग प्रारंभिक मात्रा 100 और 100 में से पूर्ण कितना हो गया 99.9, यहां ध्यान देंगे ए बनाया भी प्रारंभ में यह 100 था या 0 था और यह 100 में से पूर्ण कितना हुआ तो 99.9, यही चीज हम लोगों ने यहां लिखा ए के जगह पर 100 और एक से जगह पर 99.9। और टी बराबर 2.303/k लॉग 100/0.1 और टी बराबर 2.303/k लॉग 10^3, ऊपर आएगा 10 यानी 1000 10^3 और टी बराबर 2.303 × 3 × log 10/k, ये वैल्यू हो गया टी बराबर 2.303 × 3/k। टी बराबर 2.303/k लॉग 3 बेस 10 है यहाँ, टी बराबर 2.303 × 3 log 10/k और log 10 का मान होता है 1, तो ये वैल्यू हम लोगों का कुछ कितना हो गया 6.909/k। तो टी का मान हम लोगों को मिला 6.909/k। इसके बाद हम लोगों को अर्धायु के बारे में जानना है, प्रथम कोटि के लिए अर्धायु यानी टी हाफ का मान होता है 0.693/k। अब इन दोनों समीकरण पर आते हैं हम लोग, क्योंकि टी बटा में टी हाफ हमें पता करना है कि कितना गुना होता है, तो टी में टी हाफ से भाग दे देंगे, ये वैल्यू था 6.909/k टी का मान और टी हाफ का मान 0.693/k, के कट गया, ये वैल्यू आता है 9.96 के बराबर, जो लगभग कितने के बराबर हो गया तो 10 टाइम्स के यानी 10 गुना के। तो टी में टी हाफ से भाग दे दिए, जो वैल्यू प्राप्त हुआ वो 9.96 के करीब आया जो लगभग 10 गुना के बराबर होता है, यही चीज हमें सत्यापित करना था। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।